क्या आप भी बढ़ते कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से दिल की बीमारियों के बढ़ने का भी खतरा होता है, लेकिन लगातार एक्सरसाइज और अच्छी डाइट से आप इससे बच सकते हैं। हमारे खानपान का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। दिल की बीमारियों का सीधा संबंध कोलेस्ट्रॉल से है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों ही पाए जाते हैं। अपने खानपान में थोड़ा सा बदलाव करके आप शरीर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने डाइट में कुछ इस तरह के स्नैक्स को शामिल कर सकते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं। पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खाना हर कोई पसंद करता है, या फिर लोग अक्सर इसे टाइम पास के लिए भी खाते हैं। पॉपकॉर्न फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, मैग्नीशियम से भरपूर होता है। पॉपकॉर्न में मौजूद फाइबर आपकी पाचन क्रिया को ठीक करने का काम करता है। इसके साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है। यह ज़्यादा जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। जिन लोगों को शुगर ज़्यादा होने की परेशानी होती है, उनके लिए पॉपकॉर्न काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यह शुगर के लेवल को भी सही रखता है। अगर आप भी पॉपकॉर्न खाकर अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना चाहते हैं, तो आप पॉपकॉर्न सिर्फ नमक के साथ ही खाएं, उसमें मक्खन जैसी चीज़ों का प्रयोग न करें। दलिया। हम दलिया को एक फूड की तरह ही मानते हैं, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ जानकर आप भी इसकी खासियत पहचान लेंगे। दलिये का सेवन आपके स्वास्थ्य को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। कई लोग दलिया खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दलिया एक पौष्टिक आहार माना जाता है। दलिया न सिर्फ पाचन के लिए बल्कि मोटापा घटाने में भी मददगार होता है। इसके साथ ही दलिया खाने से कई फायदे होते हैं। दलिया पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा और पाचने में आसान होने से दलिया रोगियों को दिया जाने वाला पहला फूड होता है। नट्स, बादाम, अखरोट ये सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार होते हैं जिन्हें कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना होता है। इनमें भारी मात्रा में प्रोटीन फाइबर होता है। फल और सब्जियाँ। रोज़ाना खाने वाले फल और सब्जियों से कई तरह के फायदे होते हैं, लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। फल और सब्जियों में कम मात्रा में कैलोरी होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है। जबकि इनमें कम मात्रा में सोडियम और फैट होता है, जो कि दिल को स्वस्थ रखने का काम करता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सभी तरह के फल और सब्जियों का सेवन करें, जिससे वह आपको स्वस्थ रखने के साथ ही कई तरह के फायदे भी दें। इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा hashmi.com चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।